ओके नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट whether the given sets are finite or infinite sets. Okay. क्वेश्चन वन स्टेट वेदर द गिवन सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट मींस हम कुछ क्वेश्चन नीचे लिखने चल रहे हैं आपको बताना है कि क्या ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है तो डेफिनेशन मैंने आपको बताया थी फाइनाइट सेट की एंड इनफाइनाइट सेट्स की तो एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट्स तो फाइनाइट सेट्स में क्या होता है जो फाइनाइट सेट्स के एलिमेंट होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं मीन्स ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं उनको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं इनफाइनाइट सेट देखते हैं तो ऐसा सेट जिस सेट के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं ठीक है तो आपको यही इसमें क्लासिफाई करना है ओके बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं ए Set A is equal to in curly bracket x such that x belong to capital N and x is less than 10. Okay? ये आपका सेट है अब बताना है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है ठीक है तो बेटा इसी सेट को हमें बताना है ये जो सेट है आपका फाइनाइट है इनफाइनाइट है हम इसको क्लासीफाई करेंगे देखते हैं पहले इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा आप लोग प्लीज अपनी आवाज थोड़ा म्यूट कर दीजिए जब आपको कुछ बोलना हो तभी अपनी आवाज आप ओपन करिए ठीक है तो प्लीज आप लोग थोड़ा म्यूट कर दीजिए बिकॉज आवाज जो आती है हाँ बेटा हाँ बेटा इस हाँ जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए एक्सरसाइज 1.2 आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम पिक उसकी डाल देंगे बट सोल्यूशन आपको यहीं से मिलेगा जो हम मैं बताऊंगा ठीक है वहां से सिर्फ आपको क्वेश्चन भेजे जाएंगे हाँ तो आप लोग यहाँ बने रहिए अच्छा ये वीडियो जो हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे वहां से लिंक शेयर करेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वहां से सोल्यूशन मिलेगा वीडियो के थ्रू और क्वेश्चन हम यहाँ से खींच कर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे ठीक है तभी आप देखिए प्लीज अपनी आवाज म्यूट कर दीजिए बेटा जब कुछ बोलना हो तभी अपनी आवाज ओपन करिए सेट ए देखते हैं इसको हम लिखेंगे सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में देखते हैं आपका जो सेट ये सेट है इसमें x बिलोंग टू नेचुरल नंबर जो x होगा वह नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर मींस 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और जो x की वैल्यू होगी वो 10 से कम होनी चाहिए मींस 1 से स्टार्ट होगी और 10 से कम होगी इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 बेटा अपनी आवाज म्यूट कर दीजिए प्लीज आवाज बहुत आ रही है आप लोगों की पूनम बेटा डियर पेरेंट्स नाम आ रहा है पूनम से प्लीज बेटा अपनी आवाज म्यूट कर दीजिए आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है यस गुड वेरी नाइस ओके नाउ लुकिंग हियर सेट ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन and the value of x is less than 10 okay here x belong to natural number that is a 1 2 3 4 5 6 7 means natural number is start from 1 to infinite the value of x is less than 10 it is start from 1 to
तो x की वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर में होगी और 10 से कम होगी। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, हम 1 से स्टार्ट करते हैं और 10 से जो वैल्यू होगी, देख रहे हैं यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी 10 से लेस होगी, यहाँ हम 9 तक ही लेंगे। तो आप बताइए आप लोग क्या इस सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं एग्जैक्टली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये सेट कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो आंसर में आपको लिखना है फाइनाइट सेट। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट होंगे, इसलिए आपको ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। बेटा इसी में बी पार्ट की हम बात करते हैं, सेट बी इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x such that x belong to w comma x less than 1। ठीक है, ये आपका सेट है, यहां भी बताना है। देखते हैं सेट b इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x such that x belong to w, ये w किसको बता, जैसे यहां आप देख रहे थे n जो है ये नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, तो w है आपका ये होल नंबर को बताता है। अब बेटा होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। ये जो नंबर होंगे ये क्या होंगे, अब यहाँ देखेंगे जो x होगा वो क्या होगा, 0 से कम होगा, जो x की वैल्यू होगी वो 1 से, सॉरी 0 से नहीं 1 से, जो x की वैल्यू होगी वो 1 से क्या होगी, लेस होगी, दैट इज 0 होगी, बिकॉज होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इसलिए जो सेट b बनेगा ये होल नंबर का होगा और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ ये भी बोल रहा है जो x की वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी, तो 1 से कम एक ही होल नंबर होता है, वो होता है 0। ठीक है, 0 हो गया। अब आपका यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कौन सा सेट होगा, इसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर सिंगल एलिमेंट है इसलिए फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो आंसर में आपको लिखना है फाइनाइट सेट। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। बट अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। ओके, तो आप लोग इसको फर्स्ट नोट कर लीजिए, इसी का हम नेक्स्ट पार्ट बताने चल रहे हैं। बेटा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम एक्सरसाइज 1.2 आपके, ओके गौरी, हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक्सरसाइज 1.2 फोटो डाल देंगे क्वेश्चन की। ठीक है, तो आप लोग वहां से क्वेश्चन देखते रहना, जब तक ये एक्सरसाइज फिनिश नहीं हो जाती है तब तक आप क्वेश्चन वहीं से देखना होगा, हम वीडियो कंटिन्यू डालेंगे। ठीक है, आपको ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू लेना है, बट एक बार हम क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अभी खींच कर डाल देंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का, तो आप लोग वहां से क्वेश्चन देख लेना, और प्लीज आप लोग बुक भी परचेज कर लीजिए, नहीं तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। तो अगर मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स बिना बुक के आप पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए क्या करना बेटा, जल्दी से जल्दी अपनी बुक परचेज कर लीजिए, और हम आपको क्वेश्चन तो यहां से हम प्रोवाइड कराएंगे ही ना, लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम मतलब अगले समय, या जैसे क्लासेस यहाँ लाइव चल रही हैं इसके बाद अगर आप घर पर पढ़ना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप प्लीज बुक भी जल्दी से परचेज कर लीजिए। ठीक है, हम अब देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा क्या इसको अरेंज कर दें हम, ओके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सी पार्ट है, ये देखते हैं, सेट सी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 20। यस बेटा, क्लियर नहीं दिख रहा, अच्छा क्या सभी को क्लियर नहीं दिख रहा है, कि या एक ही लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है? अच्छा बेटा, तो फिर आपके यहाँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, थोड़ा बने रहिए, भी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो नेटवर्किंग प्रॉब्लम आती है आपके यहाँ तो थोड़ा आपको धुंधला दिखाई देगा या वॉइस क्लियर नहीं जाएगी, तो आप बने रहिए कंटिन्यू, अभी आपको वॉइस क्लियर जाएगी और आपको इमेज भी क्लियर मिलने लगेगी। ठीक है, यही ये आपकी जो वीडियो है इसको हम यूट्यूब, यहाँ इसको भी इस वीडियो, ओके इस वीडियो को हम यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे, वहां से भी इसको आप देख सकते हैं, हम आपके क्लास ग्रुप में लिंक भी शेयर कर देंगे, तो आप बने रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, देखते हैं इसी का सी पार्ट है, पार्ट सी देखते हैं, आप इसको भी बताना है कि ये फाइनाइट सेट है इनफाइनाइट सेट है। तो
तो सबसे पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर आपको आसानी होगी समझने में। x such that x is a multiple of 20। अब 20 का मल्टीपल देखते हैं, 20 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, तो पहले तो 20 ही होगा ना, 20 के मल्टीपल नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 40 होगा, फिर 60 होगा नेक्स्ट, 80 होगा नेक्स्ट, 100 होगा, तो ऐसे तो आपके ढेर सारे मल्टीपल मिलते चले जाएंगे। यहाँ हम काउंट नहीं कर सकते, ये जो डॉट डॉट आपको सिंबल दिख रहा होगा ये इनफाइनाइट को डिनोट कर रहा होगा। तो सेट सी इज इक्वल टू 20, 40, 60, 80, 100 एंड सो ऑन। तो क्या इस सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, इस सेट के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो आंसर में हम लिखेंगे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ओके बेटा, फिर इसी का हम बी पार्ट देखते हैं। सेट डी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 20। अब देखना है 20 के फैक्टर, तो प्लीज आप लोग यहां देखना, पहले हम 20 के फैक्टर को फाइंड करते हैं। 20 का फैक्टर फाइंड कैसे करते हैं देखते हैं। तो आपका नंबर जैसे 20 है, तो 1 जो होता है वो सारे 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 के सारे नंबरों का फैक्टर होता है। अब जैसे अगर हम 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 वन जा 20, फिर देखते हैं 2 से देखते हैं तो 2 टेन जा 20, फिर देखते हैं 3, क्या 3 की टेबल में 20 आता है, 3 की टेबल में 20 नहीं आता है तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। 4 की टेबल में आता है, 4 5 जा 20, अब 4 के बाद 5 की टेबल में आता है तो 5 4 जा 20 सेम हो जाएगा। फिर क्या 6 के टेबल में आता है, नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा नंबर ये, ठीक है, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, लेकिन 10 में आएगा, तो 10 2 जा 20 मैंने पहले से लिख दिया। तो 20 के कितने फैक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6, 20 के 6 फैक्टर होंगे। तो लिखते हैं सेट डी इज इक्वल टू द फैक्टर ऑफ 20, 20 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 4 1 2 4 5 10 20, ये हो गए 20 के फैक्टर। तो क्या इसको हम काउंट कर सकते हैं, एग्जैक्टली हम इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ सेट डी में 6 एलिमेंट हैं, ठीक है, तो इट मीन्स इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा इसका, फाइनाइट सेट होगा। इसका भी आंसर क्या होगा, फाइनाइट होगा, मीन्स मैंने बोला जिसको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सेट, ये हो गया आपका फाइनाइट सेट, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बेटा नोट कर लीजिए प्लीज आप लोग जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। अब इसका जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है, होमवर्क में भी हम क्वेश्चन सेंड करेंगे। तो ई एंड एफ, क्वेश्चन नंबर 1 का ई एंड एफ आपको होमवर्क में करना होगा। तो जो क्वेश्चन हम यहाँ नहीं बताते हैं उसको आपको होमवर्क में करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया, 1 का मैंने 2-3 पार्ट बता दिया, बाकी के जो बचे हुए पार्ट होते हैं वो आपको होमवर्क में ही करने होंगे, ठीक है, फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है हमसे शेयर करिए। बेटा किसको रीच करते हैं हम अभी, गौरी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको रीच कर, ओके ओके जल्दी नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी, आपको बताना है कौन सा सेट इसमें एम्प्टी होगा। तो एम्प्टी सेट में मैंने बताया था ऐसा सेट जिसमें आपके कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं वो आपका एम्प्टी सेट होता है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, सेट ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर बिटवीन जीरो एंड वन। नेचुरल नंबर बिटवीन जीरो एंड वन, जीरो एंड वन के बीच में आपको नेचुरल नंबर बताना है, तो जीरो एंड वन के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको हो जाएगा सेट इज इक्वल टू फाइव, फाइव रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट को, ये फाइव हो गया। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टी सेट को। तो ये कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट होगा। तो यहां लिखेंगे इट इज अ एम्प्टी सेट, इट इज अ एम्प्टी सेट। अच्छा, कैसे पता चल रहा एम्प्टी सेट होगा? ये क्वेश्चन बोल रहा है जीरो एंड वन, आपको बताना है जीरो और वन के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर होता है। तो जीरो और वन के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं, बिकॉज नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो वन से पहले और जीरो की बात का पूछ रहा है, मीन्स वन और जीरो के बीच का पूछ रहा है, तो आपका कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसलिए जो सेट होगा ये क्या होगा? आपका एम्प्टी सेट होगा। तो लिखेंगे इट इज अ एम्प्टी सेट। फिर इसी का हम बी पार्ट देखते हैं बेटा। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट आपको जो होगा ऑड नंबर बिटवीन जीरो एंड टू। अब देखते हैं सेट बी इज इक्वल टू ऑड नंबर बिटवीन जीरो एंड टू। अब जीरो और टू के बीच में ऑड नंबर कौन सा होगा? वन होगा। तो ये तो हमें यहां पर एलिमेंट मिल रहा है, तो सेट बी इज इक्वल टू वन। और यहां आपको बोलना है क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें यहाँ एक सिंगल एलिमेंट मिल गया है ना। तो आपका जो ऑड नंबर होगा क्या होगा? वन होगा। यहां से हमें एक नंबर मिल गया। एम्प्टी सेट में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर हमें एक एलिमेंट मिल जा रहा है, इसलिए क्या होगा? एम्प्टी सेट नहीं होगा। लिखेंगे इट इज नॉट अ एम्प्टी सेट, इसलिए आपका ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन इसमें करने होंगे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम आपको अभी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन को देखकर जो होमवर्क रहेगा वो सॉल्व करना। तो आपका जो होमवर्क है एक्सरसाइज 1.2 में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सॉल्व करना है ई एंड एफ पार्ट सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर टू में सॉल्व करना है सी डी ई एफ, सी डी ई एफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपका होमवर्क रहेगा। हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पिक भेज रहे हैं, वहां से आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में प्रॉपर आप लिखते रहिएगा और अपना होमवर्क भी करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप ग्रुप में या ऑनलाइन हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब प्लीज नोट करिए इसको।